Leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi has reached Hathras in Uttar Pradesh to meet the family of a Dalit woman who had died allegedly after gang rape in September 2020. The Congress MP reached Bulagari village even as the police stepped up their deployment in the Chandpur district in light of his visit. The Congress's local leaders there have said Rahulji and Priyankaji are the leaders who are in touch with aggrieved people across the country. Rahulji has been in touch with this family as well. That's what local leaders of the Congress have said to the media. Rahul Gandhi has reached Hathras. The leader of opposition is in Hathras in Uttar Pradesh today. He is meeting the family of the victim who had died after an alleged gang rape. Kanika Katiyar is joining us for more details on this story. Kanika, Rahul Gandhi has reached Hathras. What's on the agenda of this visit? देखिए बिल्कुल 2020 में जिस तरह से हाथरस में जो रेप की घटना हुई थी और विक्टिम परिवार था उसने राहुल गांधी को पत्र लिखा था। हालांकि राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति और सीजीआई को भी परिवार द्वारा जो है पत्र लिखा गया था। उसके बाद जो है आज राहुल गांधी जो है हाथरस पहुंचे, परिवार के लोगों से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि जो परिवार की ओर से जो पत्र लिखा गया था उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जिस तरह की घटना हुई थी उसके बाद जो प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से जो वादे किए गए थे परिवार को तमाम सहूलियत देने का और नौकरी देने का, वो वादे पूरे नहीं किए गए। इसके अलावा जो परिवार के लोग हैं वो चाहते हैं कि वो जहां रहते हैं वहां से उनको जो है कहीं और शिफ्ट किया जाए, लेकिन प्रशासन लगातार जो है तैनात रहता है। ये तमाम बातें जो है उन Kanika, can you hear me? Yes. Okay, I think we've lost the audio there of Kanika. But Kanika, this of course is after Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi had attempted to go to Sambhal as well. Once again, Rahul Gandhi in Uttar Pradesh, this time in Hathras. What is the messaging of this visit? देखिए उदय, साफ तौर पर जिस तरह की 2020 में हाथरस में जो रेप की घटना हुई थी और पीड़ित परिवार था, उस परिवार द्वारा राहुल गांधी को एक पत्र लिखा गया था और पीड़ित परिवार में जो लड़की के फादर हैं उनकी ओर से राहुल गांधी को एक लेटर लिखा गया जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया कि जो प्रशासन है वो लगातार वहां पर तैनात रहता है और सरकार की ओर से वादे परिवार को किए गए ताकि उनको तमाम जरूरतें मुहैया कराई जाए। उन तमाम बातों का उल्लेख करने के बाद राहुल गांधी ने फैसला किया कि वो वहां जाएंगे और पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात करेंगे। सुबह 6:30 बजे राहुल गांधी जो है दिल्ली से रवाना हो गए थे। लगभग 30 से 45 मिनट राहुल गांधी ने परिवार के लोगों से मुलाकात की है और हमारे सोर्सेज ने हमें ये बताया है कि राहुल गांधी ने परिवार के लोगों को कहा है कि वो उनकी आवाज को उठाएंगे और जो भी जो अपनी तरफ से वो कर पाएंगे वो उनके लिए करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी हाथरस पहुंचे परिवार से मिलने के लिए तो उस वक्त उन्होंने प्रशासन के जो भी अफसर होते हैं उनको भी बुलवाया ताकि वो डायरेक्टली बात कर सके और जो पीड़ित परिवार लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको तमाम तरह की सुविधाएं नहीं मिल रही है उसको वो रिसॉल्व करवा सके। लेकिन वहां पर प्रशासन का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था जिसकी तरह राहुल गांधी की बातचीत नहीं हो पाई। फिलहाल राहुल गांधी जो है वो हाथरस से निकल चुके हैं, वो दिल्ली वापस आ रहे हैं। लेकिन लगभग आधे घंटे तक राहुल गांधी ने परिवार के लोगों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी है और जिस तरह से हाथरस में जो 2020 में रेप का घटना हुई थी और पीड़ित परिवार लगातार परेशान था, उस मामले को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वहां पहुंचे तो कहीं ना कहीं एक राहुल गांधी की ओर से मैसेजिंग दिया जा रहा है कि चाहे वो संबल की हिंसा हो या हाथरस की हिंसा हो, ये तमाम जो चीजें हो रही है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो है उन परिवार के और उन लोगों के साथ खड़े हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.